मदी साहब ये कह रहे हैं कि जी कुरान की एक ही किरात है जो हमारे मुसाइफ में सबत है मैं वही कह रहा हूं कभी मुसफ खोल के देखें कभी दुनिया घूम के देखें जो मुसाइफ में सबत है कभी देखें वो क्या है तलक्की तो कबूल करने वाले कुर्रा की क्या हैसियत है देखे ना फिर तो आप सेशन सेशन सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को आप सेशन में चैलेंज कर रहे हैं वो कुर्रा का मसला है भाई आप उनको छेड़े <laughs> हम ये मान भी लें कि यार यही मुसफ है जो मेरे घर में पड़ा हुआ है यही मुझे रसूल वसलम से मिला है

इंडोनेशिया के मसाइफ कैसे पब्लिश हो रहे हैं मलाइयन तुर्की कतर कोतन पाकिस्तान सऊदी अरब शाम ये एक बहुत बड़ी बात है ठीक यानी कि उसी किरात को हम हफ्स मान रहे हैं जी किरात चेंज नहीं हो रही लेकिन एक इदारा छाप रहा है एक मुल्क छाप रहा है इस लफ्ज़ हरकत का फ़र्क है और दूसरा दूसरे से छाप रहा है मैं ये कह रहा हूँ जो पब्लिश हो रहा है ना उसमें इखिलाफ है है हफ्स है अगर ये होगा तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा तो आपने बात यहाँ से शुरू कर दी थी साहबा के दौर से कि रात में अख्तलाफ था मुद्वन ही नहीं हुआ था जमा तदवीन नहीं हुई थी तो दोरेद स्मानी में जा बात आप थ्रू आउट कहते आ रहे हैं अगर ये बात आप कहते आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई रिवायत कोई हदीस ऐसी नहीं है जो ये साबित कर सके कि अल्लाह के नबीसलम के दौर में कुरान मुद्वन मौजूद था आप ये क्लेम करेंगे अल्लाह के रसलम के ज़माने में कुरान लिखा गया था बिना दुफ़तैन नहीं था एक जगह पे मौजूद नहीं था मतफरक तौर पे के पास लिखा हुआ मौजूद था लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं कही हमारी दीनी रवायत इससे ना आशना है इस जदीद फिक्र से कि जी अल्लाह के बैनफिन कुरान मजीद अपने जमाने में जमा करवा दी सारे इस दलाल की बुनियाद रवायतों पर खड़ी कर रहे हैं आपको ये जेब नहीं देता क्यों नहीं, नहीं जेब नहीं ना देता बात यह है कि रवायतों को अगर शुरू करना है न फिर एक तरतीब से शुरू करना रिगार्डिंग दिन ऑफ कुरान जो पिक्चर मेरे जहन में आपकी पिछली गुफ्तुओं को सुनकर बनी हुई थी ना वो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी इन चार हदीसों ने उस पिक्चर को का जो कैमरे का फोकस बिल्कुल सेट कर दिया पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है आप कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता इधर तो मंदिर बदल गया है मंदिर तभी बदल गया जब सारी रवायतों को मानेंगे हम उनको भी यही कह रहे हैं वो भी इसको गैर कुरान कह रहे हैं वहाँ पर भी आसिम मुग़ल बैठे हुए हैं मगरब में बात आसिम मुगल साहब बैठे हैं जो ये कह रहे हैं है वो गैर कुरान पढ़ रही है सारी मशरे को समझ पहले आपका दोनों उनको भी हम समझा मेरी बात वाजे हो गई मेरा मौका भी वाजे हो गया मेरी नीयत भी वाजे हो गई अब तो मुझे नहीं कहेंगे की तुम साथ आपके सवाल आपके सवाल को ही हम खोल रहे हैं उम्मत किस कुरान पे खड़ी है

हम पचास एपिसोड और कर लेंगे उसमें का नहीं।, नहीं है वो तो तयशुदा बात है तयशुदा बात है ना जब बात खोलनी है ना तो फिर मुझे खोलने दे अच्छा सिर्फ ये पॉइंट बात है, खोलनी आपने तो फिर मुझे आपका पॉइंट सिर्फ ये सिर्फ इसको खोलना है आपने और चीज़ें नहीं बीच में शामिल करनी कि अगर वो कुरान नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर उम्मत गहरे कुरान पर खड़ी है सौ डेढ़ के सिवा आप आपका यही क्लेम है ना कि पहले दिन से आज तक पूरी उम्मत गहरे कुरान पर खड़ी है अगर किरात को ना मानी बस ये यही नुकता है ना असल नुकता समझने की कोशिश करें असल नुक्ता ये है कि आप आपका ख्याल ये है ना कि जैसे ओलंपिक्स में होता है ना ठीक है वो एक बंदा आता है दूसरे बंदे को मशल पकड़ा देता है वो अगले को तो अक्तर ठीक है लोगों को बेवकूफ़ इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे एक नस्ल ने सुबह को मरना होता है रात को वो दीवार के पीछे खड़ी होती है और उसके हाथ में है मुसफ़ ठीक है और अगली नस्ल अगली सुबह को पैदा हो रही है अच्छा उस पिछली नस्ल ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं अलमिया के पास ये तुम कुरान पकड़ो उनकी तरफ़ फेंक दिया ठीक है और उन्होंने सुबह को वो कुरान पकड़ लिए तो पिछली नस्ल ने अगली नस्ल को कुरान दे दिया फिर इस तरह से आगे कुरान ये जिसे आप कुरान कह रहे हैं ठीक है जिसे गामदी साहब ये कह रहे हैं कि जी कुरान की एक ही किरात है जो हमारे मसाइफ में सबत है ठीक है मैं वही कह रहा हूँ कभी मुसह खोल के देखें कभी दुनिया घूम के देखें जो मसाइफ में सबत है कभी देखें वो क्या है ईवन के बरसीर पाको हिंद के मसाइफ ये हजरत जबरील आपको मुसफ़ नहीं देखे गए मज़रत के साथ ठीक है मुसफ की तारीख है ना कहते हैं हदीसे इंसानों ने लिखी हैं तो मसाइफ फरिश्तों ने आके लिखे हैं मुझे बताएं भाई चौदह सदियों में मसाइफ कौन लिख रहे हैं इंसान लिख रहे हैं इंसानी गलती तो मुसफ लिखने में इंसानों से गलतियाँ नहीं हो सकती बातें यह है कि सिर्फ हदीस को डीग्रेड करने के लिए सिर्फ हदीस को डिग्रेड करने के लिए एक अंधा अकीदा बनाया

यही बात अब अब पैराडाइम चेंज हो पिछली, पिछली गुफ्तु अगर नहीं सही समझ होती तो ये सवाल आपके पैदा ही नहीं होते मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ मुझे दोबारा दोहरानी क्यों पड़ती है मुझे दोबारा क्यों दोहरानी पड़ती है आप समझना ही नहीं चाह रहे आप समझना ही नहीं चाहिए सवाल आप आने दें आप उनके जवाब देते जाएं और देखें मैं नोट करता जा रहा हूं हमने एक घंटे के अरसे में चार सवाल मैंने आपको फेंक दिए हैं आपके जवाब मैंने नोट भी कर लिए कितनी स्पीड है ये मैं एक नुक्ते पर दो दो घंटे अच्छा मुझे ये भी बताएं कि उनमें से कितनी बातें ऐसी हैं जो पहले नहीं डिस्कस हुई थी सिवाय इसके कि मैंने जाविया निगाह बदल दिया प्रोग्राम शुरू करते वक्त पिछली निगाह नजर रखते हुए वहीं से सवाल निकाल निकालने क्यों नहीं समझ आ रही यहाँ तो मैंने दवा किया हो मनाजरे का यहाँ तो मैंने दवा किया हो आपकी बराबरी का फिर आप मुझे ये कह के चुप करा मेरे ख्याल में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नया आया अभी तक तो नहीं आया मज़ीद अब आप आगे करें मेरे ख़्याल में वो तमाम सवाल ऐसे थे कि ज़रा से गौर वफ़िक्र से वो पिछली बात समझ में आ जाती है। दो दफ़ा करने से अगर जो आप में क्लैरिटी आती है और अगला कोई रास्ता आप, आप क्लैरिटी ले आपने तो मुझे ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है ना मैंने कहा इस पर पचास एपिसोड कर लें आप ठीक है आप। जो पाँचवा है सवाल वो पाँचवा ये है कि रसूल करीम से अगर एक सनत होती है अमकी की सनत की वो जो पहला असूल है ना सनत से साबित हो जाए उस पहले असूल पर सवाल है कि अगर सनत हो जाती है उसके बाद बिल कबूल मसाइफ उस्मानी के मुताबिक होना कद अरबिया के मुताबिक होना यानी कि सनद के सबूत के बाद ये तीन चीज़ें मज़ीद हमने देखनी है यानी ये ूल बनाए गए थे अगर सनदन साबित होने के बाद भी इन तीन फैक्टर्स के ऊपर क्रॉस चेकिंग दोबारा होनी है तो फिर आगे सवालत हैं पाँचवें बाप के अब आइए सवालत हैं मैंने सवाल की तम बांधी है पहली पहला फाइव पॉइंट वन रसूल सल्ला वम से सनदन साबित शुदा किरात को क़ुर्रा की सेंशन की क्यों ज़रूरत है सनत तो सबित होगी वो आपके अलफासी कदमों तक वो पहुँच गई है अब कुरान ने उसको क्यों सेंशन देनी है सनत तो पहुँच गई है अब इसका भी जवाब पीछे आ चुका है मैंने बस दोहराना है उसको दोहरा दें कोई बात नहीं मैंने वहाँ पर एक चीज़ अर्ज की थी कि मकिकीन क़्रा का ये मौक़ है मेरा इससे मौक़ जहद है और उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो मौक़ है वो वो है जो हनाबिला का है तैमिया और शेख मोहम्मद बिन सालसैमिन के मैंने हवाले दिए थे और अपने एक आर्टिकल का मैंने नाम लिया था कि रस्म ओस्मानी में ग़ैर मौजूद और सही सनत से साबित शुदा क़रात का हुक्म खुरा का मौक़ यही है उनके यहाँ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है अगर मसायफ बल्कि मैंने एक जुमला कहा था शायद आपके अभी ताज़ा हो जाए क्लिक कर जाए आपको मैंने कहा था कि अगर मसाइफ स्स्मानिया को कुरान के सबूत की हम बुनियाद बनाते हैं तो मसाफ अस्मानिया से पहले कुरान कैसे साबित हो रहा था, था? ये कहा था असूली तौर पर बात यही है कि ये जो मसला है ना मेरे नज़दीक ये इंतज़ामी मसला है ये शरी मसला नहीं है शरी मियार जो सबूत का है कुरान का वो यही है सेहत सनत सेहत सनत खबर वाहिद अलमुहतफ बिलक्राइन शर्ी जब्ता यही है ठीक है हाँ अब उसके बाद हज़रतमान रजीलानों के ज़माने में इंतजामी तौर पर ये बात आई थी हजरत अब्दुल्ल अबिन मसूद ने इसी बुनियाद पर इनकार किया था कि हम मसाइफ नहीं देते अल्लाह के सम से सेहत सनत है हमारी बराह रास्त हमने लिया हुआ है हम क्यों उसको मैार बनाए के दिया तो वह इंतज़ामी तौर पर उन्होंने फिर मुसायफ हवाले किए थे तो ये मसला मेरी नज़र में मेरी नज़र में क्या हनाबला की एक जमात फकहा कि उनकी नज़र में ये इंतज़ामी मसला है ये जो पाबंदी का मसला है हम इसकी पाबंदी के कायल है इन शराइ की लेकिन ये शरात फिर बात समझ इंतजामी इंतजामी शरात है ये शरी शराइत नहीं अच्छा हाँ जो कुरा वगैरह हैं, वो उसको शरी तौर पर माना अच्छा, मतलब ये कि आपने शर्य नहीं, इंतजामी माना है तो आपके नज़दीक सनत होने के बाद अगली दो शराइ में नरमी करके अगर कबूल करें तो वह किरात हो जाती है किरात हो जाती है इंतज़ामी अमूर की हैसियतें उज़ूलों से कम तर है इंतजामी तौर पर आप बास चीज़ों की पाबंदी करते हैं स्टेट लेवल ठीक गया ठीक है क्योंकि हुक्मरान का हुक्म है आपने पाबंदी करनी है हम भी पाबंदी करेंगे ठीक है लेकिन अगर आप शर्स असूली बात करेंगे इंतज़ामी समझ आ, के इबन तैमिया रहमै ने इस पर बहस की है मजमूलफतावा में कि वो किरात जो मुसाफ़ानी में नहीं है मुसाइफ ओस्मानिया में जो किरात नहीं है और सही सनत से साबित है क्या उनको नमाज में पढ़ा जा सकता है तो उसमें उन्होंने कहा इमाम अहमद और इमाम मालिक इन दोनों से ये मौक़ है कि पढ़ा जा सकता है ठीक है हाँ अलबत्तः उस पर फिर आइमा ने यह बात की है ज़रूर की है कि इंतज़ामी तौर पर इसकी पाबंदी की जाए शरी मसला आप कह रहे हैं कि वो इंतज़ामी पाबंदी है तीन बातें जो हैं मुसीफ़ानी के मुताबिक होना तल्कि बिलकबूल होना और के मुताबिक होना ये तीन देखिए असल बहस खड़ी होती है मसाफानिया के मुताबिक क्योंकि ये बाहस बड़ी आयमा में खड़ी हुई है कि मसाफ ऊस्मानिया में एक किरात नहीं है लेकिन सही सना से है जैसे हमने कहा था अब्दुल्लाबिन मसूद के बारे में जो रात आती है सही बुखारी में ठीक है कि उन्होंने व वक़र वालसा पढ़ा चले मैंने आपकी वजाहत के बाद वन के बाद टू और थ्री नंबर बल्कि फोर नंबर स्किप किए हैं अब मैं फ़ाइव पॉइंट वन के बाद फाइव पॉइंट फाइव पढ़ बस जी पढ़े पढ़े अगर मैंने आपका सर खाना होता तो मैं रगड़ता उधर भी आप बेशक देख लें मेरी फैर आप, आप करें आप ये फाइव पॉइंट फाइव है फाइव पॉइंट वन के बाद फाइव पॉइंट फाइव यह सवाल बनता है पढ़े हुए को तहरीरी शक्ल में रस्म खत के ज़रिए बयान ही सब्त करना मुमकिन नहीं है ठीक है ना ये तो हर जुबान के अंदर एक लिमिटेशन है लिहाजा उस्मानी के रस्म खत से मुताबकत के साथ साथ वो तो जो तीन शर्तें हैं ना मैं चाह रहा हूँ कि उसमें चौथी शर्त भी होनी चाहिए थी मेरा सवाल यही है वो चौथी शर्त ये है क्योंकि रस्म में किरात सब्त नहीं हो सकती तो मुसफ़ के मुताबत के साथ साथ इस चीज़ को भी कम्पल्सरी बना देना चाहिए था उन्हें उस वक़्त कि किसी सुने हुए की गवाही भी आए वो कहे कि हाँ ये मैंने यही सुना था यानी कि ऑडियो सोर्स के तौर पे समय तो ठीक है मेरे सवाल को आप समझने के बोकस्तरीन है लेकिन है था कि ये बगैर मुझे चैन नहीं आना था अब आप बताए सवाल वा ना मेरा देखिए भारे ये सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में जब वो सेहत सनत की बात कर रहे हैं तो सेहत सनत क्या चीज़ है कि ये किरात ये किरात आडियो सोर्स के तौर पे रसूल सल्लम से सुनी गई है इसका सीमा साबित है अच्छा मतलब ये वो दूसरे वाला नहीं है वो तारीखी वो वाली सनद नहीं लिखी हुई इसके अंदर वो चीज़ शामिल है हाँ हाँ बिल्कुल शामिल होती है और क्या है अच्छा अब एक बात बताऊँ आपका मौकाफ़ वो जो आपने कहा था ना कि ये सिर्फ इंतज़ामी है और ये कम लोगों का मौकाफ़ है मेरे ख्याल से ज़्यादातर का मौका फिर यही होना चाहिए आपके मौक़ की मैं तायद करता हूँ जब इसमें समाज पिल्टन है तो फिर तो तरक्की बिल कबूल करने वाले को कुर्रा की क्या हैसियत है देखें ना फिर तो आप सेशन सुप्रीम कोर्ट को आप सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं वो कुर्रा का मसला है भाई आप उनको छेड़े <laughs> चले मेरी बात बात ठीक हो गया चले फाइव क्वेश्चन भी स्किप हो गया उसका आपने मुखसर जवाब दे के देखिए बात यह है हम जब तहकीक करते हैं ना तो हम ये नहीं देखेंगे कि आप कुर्रा का ये मौक़ है बात समझ रहे मेरी बात अच्छा कुर्रा का मारूफ वो है इवन के मैंने जब ये आर्टिकल लिखा था तो डॉक्टर हाफिज हमजा मदनी साहब ने वो जो रुश्त के शुमारे पब्लिश हो रहे थे एक हज़ार सफ़ात के उन्होंने उसको रोक लिया उन्होंने कहा यह मारूफ मौक़ नहीं है कुर्रा का ये पब्लिश नहीं हो सकता अब आपका आर्टिकल छपने से रोक दिया छपने से रोक दिया तो बात यह है कि हम जो है जब तहकीक करेंगे तो जो चीज़ हमें सही लगेगी हम उसको बयान करेंगे ठीक है ना हम इस तरफ नहीं जाएंगे ऊपर लाइब्रेरी में।, में बैठ के बैसे भी हुई थी उन दिनों ऊपर वाले कमरे में बासें वगैरह होती रहती थी।, थी लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम एक नुकतः नज़र के तौर पे इसको पब्लिश कर देते हैं अब उन्होंने कहा मैंने कहा है कि आप इसको पब्लिश तो करें एक नुकतः नज़र है और ये उसकी हाँ इबिनतमिया के यहाँ हवाले जो है वो मिल जाते हैं ठीक है और शेख मोहम्मद बिन साले वसैमिन के हवाले मिल जाते हैं तो वो फिर वही कहते हैं कि ये कुर्रा का मारूफ मौक़ नहीं है बट ठीक है उनका नहीं है लेकिन यह है कि महकीन का ये मौकाफ़ रहा है और मेरे ख्याल में यही मौकाफ़ूली तौर पर यही मौका फिर सही मालूम होता है बाकी <पार्णागी> इंतजामी तौर पर आप पाबंद कर लें वो बात ठीक है इंतजामी तौर पर इजमा जो है वो बेसिकली बाजात शरी होता है और बाजात इंतजामी होता है तो ये इजमा इंतजाम नंबर सिक्स इसके भी चार पार्ट्स हैं ये थोड़ा सा वो फलसफे टाइप इल्मी कम और फ़िलासोफिकल तरह ज़्यादा है जरूर इसमें कहा जा सकता है कि किसी हद तक जज्बाती की आमेज भी है यानी कि इलमी सपोर्ट कम और जज्बाती थोड़ी ज़्यादा जज्बात से मुराद जो कुरान से वबस्की के जज्बात है रूहानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ सवाल नंबर छः ये है कि जो अल्लाह का कलाम है यानि कि कुरने मजीद जो कि अल्लाह से बरह त कलाम है ये रहती दुनिया तक उसकी आखिरी हिदायत है इस आखिरी हिदायत का लोगों पर कबूल करना लाजिम था या उसकी कबूलियत का ख़ुद दारोमदार लोगों की कबूलियत पर डिपेंड करना था यानी कि क़ुरान इस चीज़ को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इसका फ़ैसला लोग कर रहे हैं हम ये मुकदमा कैसे पेश करें अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यार वो जो आसमानी इलामी किताब है ना हमारी अगर हम क्रिश्चन से बात कर रहे हैं तो उसका तो लोगों ने डिसाइड किया था उतर तो गई थी उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स था तो लोगों ने उसूल बनाए फिर छांटी की तो फिर वो बनाए वो कहेगा यार फिर हमें नहीं, नहीं चाहिए दो तरह से जवाब है ना इसका एक पहले जवाब गुजर चुका कि ये लोग असल में है ये हाँ इसका पहला वाकई हो गया सही कह रहे हैं कि ये लोग असल में साहबा थे और ये अजमा सहाबा से हुआ

जरा भी जिसको पता है ना वो ये मानता है कि ये अराब नुकते नहीं थे अराब तो बहुत तेरे भी के तो पारे उन्होंने बनाए उन्होंने ठीक है तो 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 कुरान मजीद को लिखा उन्होंने जो गहरा तो अब ये कहना कि जी खुदा क्या कोई मोहताज था इंसानों का मतलब कोई इसकी बाहस की जरूरत नहीं है थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे ना इस बात के अंदर अंतकाल का ज़रिया कुरान हो या हदीस हो इंसान ही है। और इंसान गलती करता है आपकी वजाहत उसूली तौर पर बहुत अच्छी है कि ये अल्लाह ताला मोहताज नहीं है लोग काम करते हैं लोगों का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उसके डिपेंड ये बहुत अच्छी उसूली बात है और होता है लेकिन जो नतज निकले हैं जो हम आगे जा डिस्कस करेंगे उन ये सवाल बनाता कि फ़र्ज़ करें मुसलमानों का और गैर मुसलमों का आपस में उजा कर रहे हैं हम दाही हैं ना सारी उम्मत दाही उम्मत है ना बाकी तमाम इलामी मजहब वाले हों या वो दूसरे हों सूफीना माहाहब वाले सब मजबू हैं हम जब उनको ये कहें कम अज कम कम अज कम इतना तो होना चाहिए जो इलामी किताबों वाले जो अहले किताब हैं कि ये चीज़ तो उनके सामने बिल्कुल साबित हो जानी चाहिए कि यार इनके पास इनकी इल्हामी किताब की जो अथेंटिसिटी है वो हमारी वाली से मजबूत है यानी कि वो तब को अपनाते हुए भी इस हकीकत से इनकार ना कर सकें यार मानता तो मैं नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी वाली ज़्यादा मजबूत है हमारी तो मुतारफ होगी लेकिन ये इतनी किरात इतने इख्लाफा इतने वर्जन ये लोगों का तय ये सारी चीज़ें जो है ना उस तरफ उनको बात करने का मौका देती हैं मेरा सवाल ये है कि इसको क्रिस्टल क्लियर हम कैसे बना सकते हैं जबकि ये खुद ही एक पेचीदा बहस बन गई है अभी आपने मुझे चार पांच दफ़ा कहा कि वो किताबें खोलो। हम किस किस को इल्मी किताबें खोल के साबित करेंगे असल में देखिए ना एक बहुत बड़ी गलती हो रही है यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर खुदा का वजूद भी नहीं है अल्लाह ताला ने एक जगह पे बात कही है मशरकिन को ख़िताब करते हुए क्या नबीम अगर हम चाहें ना वो कुरान का इनकार कर रहे थे ना अगर हम चाहें तो ऐसी दलील नाजिल कर दें आनाकुम आनाकुमल ख़ादिन इनकी गर्दनें झुक जाएं ये ऐसी और भी हैं ठीक है ईमान फिर ईमान नहीं रहेगा चाइस नहीं रहेगी जबर बन जाएगा अल्लाह एस्पेक्ट ऑफ डाउट रखा है अपने वजूद में भी रखा है सालत में भी है हर हर कुरान पे ईमान में भी है तभी तो वो टेस्ट बनेगा आप कहते हैं कि जी ईमान मेरा उस तरह से हो जाए जैसे क्यामत वाले दिन अल्लाह ने नक्शा खेता है कि जब वो जन्नत जानम को सामने देख लेंगे कहेंगे हम तो ईमान ले आए जिंदगी टेस्ट नहीं रहेगी मेरे भाई सब क्या बन जाएगा हाजिर बन जाएगा जबकि ईमान का मुतालबा क्या है गैब और हाजिर पर ईमान अल्लाह ने ये जो डाउट का पहलू है ना शक का ये अपने वजूद में भी अगर मुझे बताएं कितने लोग हैं जो खुदा का इनकार करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे हैं आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको शुभहत पैदा करेंगे ठीक है आप कहें कि जो शुबा ख़त्म हो जाए शुबा कभी ख़त्म नहीं होता चले आपने बहुत तो अच्छी ये वजाहत सबसे अभी तक जितनी वजह थी उनमें सबसे ज़्यादा अपीलिंग वजाहत ये थी आपकी चले क्रिस्टल क्लियर वाली बात तो ठीक है वो तो खुद अल्लाह का वजूद भी नहीं उस पर भी बहस है कि वो जो कायनात की सबसे बड़ी रियलिटी है खुद उसके ऊपर भी बहस है लेकिन चले वो बहस अल्लाह ने खुद रखी खुद रखी हम ये कह रहे हैं वो बहस अल्लाह ने खुद रखी है, अल्ला है ताकि अल्लाह ताला इसको आजमाइश बना इस नुक्ते पर बना पूरा इत्तेफाक है अल्लाह ताला चाहते तो इस तेजे को खत्म कर देते लेकिन फिर ईमान क्या हो जाता चॉइस ना रह जाता जिसकी बुनियाद पे जन्नत जहन्नम के फैसलों ने बल्कि वो एक जबर बन जबर ठीक है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही इस पर कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता लेकिन एज कंपेयर टू उनकी इलामी किताबें ये फ़र्क तो वाज होना चाहिए इस फ़र्क को क्रिस्टल क्लियर तो होना चाहिए कि यार उनको पता चले कि यार हमारे पास इसनादी सबूत इतने ज़्यादा नहीं है अथेंटिसिटी इतनी नहीं है इनकी थेन्ेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है इससे तीसरा बन तीसरा भी ये कहो कि यार इतने पेचीदा ललूम है तुम्हारे तुमसे बेहतर तो हम हैं यार देखो हमारे तो इतने पेचीदा लूम भी नहीं है चार वर्जन हैं हम खुल के कहते हैं तो देखिए बीसियों बातें की जा सकती हैं अभी मैं सिर्फ एक बात कर देता हूँ पिछली इलामी किताबें अपनी ओरिजिनल जुबान में नहीं है ओके okay. नहीं है ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिस जुबान में वो नाजिल हुई थी उस जुबान में है ही नहीं ट्रांसलेशन हैं कुरान अपनी जुबान में है जिसमें वो नाजिल हुआ है अच्छा ये जवाब है फिलहाल लेकिन फिर भी कुरान की हिफाजत का जो बंदोबस्त है उसका जरिया सबका किताबों की नस्बत बहुत ज्यादा कतई और वाज होना चाहिए था ना बिल्कुल है उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया ना उनके पास तो सनद भी नहीं है उनके पास सनद नहीं है सनद भी, भी नहीं है ना मुझे बताएं जो वो तो रात इंजील पढ़ रहे हैं उनके पास सनदें हैं वो तो साहिफ के मिक्स ओल्ड टेस्टिमेंट न्यू टेस्टिमेंट में मिक्सिंग है ना उनके पास सनदें भी नहीं है इनके पास सारी सनदें हैं किरात के नाम पे जो कुछ ये पढ़ रहे हैं इनके पास भाई सनदें हैं इनके पास मसाहिफ हैं कदीम मसाहिफ पहली दूसरी सदी हिजरी के मसाहिफ हैं वो भी जो उन्होंने वेरीफाई की हुई हैं कि ये पहली दूसरी सथ, तीसरी सदी हिजरी के हैं जी तो ये हो गया अब आगे आता है सवाल नंबर सात इसके पार्ट्स नहीं है ये एक ही सवाल है और ये सवाल कम और डिस्कशन ज़्यादा है गो के आप ये कहेंगे कि ये आपकी बहुत ज़्यादा मरक़ी दलील नहीं थी लेकिन दलील है एक निचले दर्जे की लेकिन इसके अंदर जो एतराज़ है ना वो मुझे बड़ा स्ट्रांग लगा है अकली तौर पर लॉजिकली वो ये है क्योंकि मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि मैं इसके पीछे पढ़ा हुआ हूँ ये रवायत में अल्फाज नहीं हैं इस में भी नहीं है वो अबई बिन काब का वाली रवायत में भी अल्फाज नहीं हैं कि कौन सी सूरत थी और दोनों का नतीजा बड़ा संगीन क्योंकि एक में देखें वो घीरते वेले जाए दूसरी रवात में वो कहते हैं मेरे अंदर वो जज्बा नफाक और कुफर का आ गया जो असल में काफ़िर होते हुए भी नहीं था वो अल्लाह के नबी सुने हाथ मारा तो मुझे कुछ होश आया ये बहुत गैर मामूली जजबाती रवायतें हैं दोनों इनको भले मरकज़ी दलील ना माने लेकिन इन पर यह गुफ्तु होनी है फिर मैं निकला तलाश करने के यार रवायतों में तो वाकई अल्फाज नहीं हैं कहीं नहीं मिले आपने भी कहा नहीं है कहीं से भी नहीं मिले फिर मैंने रिज्यूम करने की कोशिश की कि जितनी भी किराहत है ना वो सर्च करने से मिल जाता है कि आप अगर कोई भी लफज पकड़ लें मालिक को तो पता चल जाता है कि इस पर दो राय हैं कि तीन है कि चार हैं ठीक है ना तो उस तरह फिर मैंने करना शुरू किया सूरा फुरकान के बारे से बड़ा वक्त लगा इसके ऊपर बहुत आपके लिए बड़ी मामूली चीज़ होगी लेकिन मेरा अच्छा खासा वक़्त खा लिया इसने सूरह फुरकान में जो दीगर किरायात में अख्तलाफात हैं टोटल तेरह आयात हैं और पंद्रह इख्लाफा हैं तेरह में से दो आयात ऐसी हैं जिनके दो दो अल्फाज में अख्तलाफात हैं बाकी सब में एक एक है। टोटल पंद्रह बनते हैं मैंने वो सारे नोट किए हैं सारे पूरी आयतें लिखी हैं और तर्जे भी हैं और वो फ़र्क भी हैं पहले मैं जुमहार के साथ आपको बताता हूँ आप वजाहत तलब करेंगे तो मैं पेज शेयर भी कर देंगे याम ताम जैसे ही फ़र्क है सिर्फ़ ना शुरू हम या शुरु हम यू ना इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं मिला कि जिससे साहबी रसूल उमर अबताब एक दूसरे सहाबी जिसको वो अपना इमाम मानते हैं उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं इमाम माना कि नहीं माना उसका घर खिखसीटना शुरू कर दिया हम नमाजें पढ़ते हैं तरावियाँ पढ़ते हैं गलतियाँ होती हैं कुरासिक कुछ का कुछ बना देते हैं यानी कि ऐसे ऐसे बड़े ब्लंडर के जो मुतशाबे हाथ हैं वो छलांग लगा के चार चार पारों की ठप्पा मार देते हैं जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं किसी ने किसी का कभी गिरबान नहीं पकड़ा इतनी इतनी गलतियाँ हो जाती हैं छोड़ देते हैं बीच में से यानी कि बाद में इशू उठता है कि इस रमजान में जो कुरान कारी साहब ने ये छोड़ दिया था दोबारा पढ़ो फ़जर की नमाज़ में कभी क्योंकि रहबान नहीं पकड़ता हजरत उमर रजी इतने बेसब्र थे या तो बेसब्र वो थे या वाकई उन्होंने कोई ऐसी चीज़ को पढ़ दिया था जो कुरान हो नहीं सकती थी वरना जितने रिकॉर्ड पर आ गए हैं ना इस पर तो सिर्फ मामूली सी बात हो सकती कि बेटा ये आपने ऐसे क्यों पढ़ा था अब आप बताएं कि ये ये बड़ी मेरे लिए एक पिंच करने वाली चीज़ है देखिए इसको मेरे ख्याल में पिंच नहीं करना चाहिए उसकी वजह ये है जहाँ आप ढूंढ रहे हैं ना वो अशरा की रात है समझ और थाल वो थाल। उस पर हम बास कर चुके हैं कि उसमें मनसूख रात शामिल नहीं है उसमें किराते शाजा शामिल नहीं है उसमें तफसीरी इशारात शामिल नहीं है ठीक है तो मैंने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि मुतरदफात मनसूख हो गए थे ये मुझे ये महसूस होता है कि ये मुतरदफ़ात का मसला था और उस पर मैंने आपके सामने एक रवायत रखी थी सुना भी दाऊद की तो जो मनसूख हो गया वो कभी भी आपको सबाशरा के रात में नहीं मिलेगा इसलिए कि यही तो उनका मुकदमा है यही तो उनका बुनियादी मुकदमा है नहीं एक एक लेवल तक आपका आंसर सेटिसफेक्ट्री है अगला लेवल अभी भी बाकी है उस पर भी आपकी वजह ये ये वज़ा मैं कबूल कर रहा हूँ फिलहाल आपकी इस पर बहस नहीं कर रहा लेकिन जब वह रसूल कीम के पास गए हैं तो अदीस के अंदर जो आप सल्लम का रिस्पांस है जो रिप्लाई है वो रिप्लाई ऐसा रिप्लाई है कि ये भी कतई कुरान है ऐसा नहीं कि उसने अपने नोट्स पढ़ दिए उसको कहा कि तुम पढ़ो पढ़ के सुनाया अच्छा अभी तुम पढ़ो पढ़ के सुनाया आप आपलम को उसी वक्त तो टोक देना कि भाई ये तो तुम नोट्स पढ़ रहे हो ये ना पढ़ो बेटा हमने कहा हाँ कदा हा कदा हा कदा ऐसे ही ऐसे ही ये अगला पेंटिंग पिछली विज़ात आपकी मोकबूल है कि वो हो सकता है उसमें से हो लेकिन फिर वो रद्दमल ये होना चाहिए अभी इसकी भी तस्वीक तो कर दें प्लीज़ तो ये सोनाबी दाऊद की जो है रिवायत पहले गुजरी थी तो सैदनाबई बिन काब से कि अल्लाह के नबी नबीम ने कहा कि ए भाई मुझे कुरान पढ़ाया गया ठीक है तो कहा गया कि एक हरफ पे पढ़ना पसंद करते हो या दो हरफों पर तो वो फरिश्ता जो मेरे साथ था उसने कहा कि कहो दो हरफों पर तो मैंने कहा दो हरफों पर फिर मुझे कहा गया दो हरफों पर या तीन हरफों पर वो फरिश्ता जो मेरे साथ था उसने कहा कहो तीन पर मैंने कहा तीन हरफों पर हती के बाद सात हरफों तक पहुँची ठीक है ये वही वाली बात इसमें आ गई फरिश्ते का हवाला आ गया ना रेफरेंस आ गया फिर कहा गया कि इनमें से हर एक हर्फ शाफी काफी है इस पर हमने बात की थी ठीक है शाफिन काफिन तो आगे क्या अल्फाद इन कुलता अलीमन अजीज हकीमा अगर समीयन अलीमन के बजाय आप अजीजन हकीमन कह दें तो सही है मगर किसी आयत अज़ाब को रहमत के साथ या किसी आयत राहमत को अजाब के साथ ना बदले ये मोटा प्रिंसिपल था हमने कहा था कि ये वो चीज़ है जो मुझे लगता है ठीक है चूँकि वह है नहीं अब हमारे सामने नहीं है कि सूरफ और में वो क्या था मुझे जो लगता है कि जो इख्लाफ हुआ था हजरत उमर का और हरत इशाम बिन हकीम का वो मुतरदफ़ात का था जिसकी इजाज़त थी अर्ज अखीरा में अब ये क़ुरान मानते हैं कि इसकी इजाज़त थी अर्ज अखीरा में मुतरदफ़ात की क्या है इजाज़त मनसूख हो गई अर्ज अखीरा में मनसूख हो गई और वो वाक अर्ज़ अखीरा से पहले का है ठीक तो है तो इसलिए मुतवा किरात में आपको तो कि तो वो इख्लाफ़ नहीं मिलेगा वो आप कह रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं मिल रहा वो मुतवा किरात में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुतवा किरात अर्ज अखीरा के मुताबिक है मुतबर किरात ने मनसूख किरात को उठाया नहीं है ना आगे नकल की है मनसूख किरात आपको हो सकता है मिल जाए किराते शाजा में अच्छा अगर मुतरदफात की इजाज़त थी तो ये बात उम्र के में होनी चाहिए थी ना इतना शदीद रिएक्शन नहीं होना चाहिए था नहीं आपको पता है नहीं। मुझे पता है तो वो तो नहीं हमें कैसे पता है हमें इसलिए पता है ये तो वही बात है ना कि इमाम के सामने ये हदीस होनी चाहिए थी नहीं। उसकी वजह यही है कि कम्पाइलेशन जो है ना जब बाद में हो के सामने आई है ना ठीक है तो फ़र्क पड़ा है बाहर फ़र्क पड़े तो इसलिए जब जमा उस्मानी भी हुआ है जमा उस्मानी भी हुआ है तो उस वक़्त भी कुछ आयात ऐसी थी जो किसी एक साहबी से चलें अच्छी गुफ्तू हो रही है इसके पॉइंट्स इस हदीस के सनदन स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं इसी का अगला स्टेप ये है कि अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है ना अल्लाह को तो इस कायनात को पैदा करने से पहले भी पता था कि मैंने अर्जा अखीरा में कौन सी चीज़ रखवानी है कौन सी मनसूख करनी है तो ये जब इतना बड़ा वाक़ हुआ ये है शाम हकीम वाला तो अल्लाह ताला इतनी वजाहत और इतने यानी कि बिल्कुल एक चमकता दमकता ग्रीन सिग्नल दोनों को बराबर की सेंशन देने अल्लाह तहाँ पर टोक देते हैं जैसे बहुत सारे मामला में अल्लाह ताला ने टोका है कि ऐसे नहीं ऐसे कभी दौरान मामले के दौरान कभी मामले से पहले कभी बाद में लेकिन इसको अल्लाह ताला ने टोकना भी ज़रूरी था अल्लाह ताला को तो पता था ना कि ये जो हकीम बिन है शाम ने पढ़े है रजियन ये, ये मैं मनसूख करवाने वाला हूँ ये मुतरदफ़ात में से या फलाम में से तभी तो उम्र का मुगालता लगा यहाँ तक भी बात ठीक है अगर इस तरह देखा जाए तो लेकिन ख़ुद रसूल करीन वसलम से बाद में कहीं से कोई साबित हो जाता है कि यार वो जो वाक़ था ना उसकी वही आ गई है वो ये ट्राजराजा अब ये मनसूख कर रहे हैं या होगी इस तरह की मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी तरीके से ये रिकन्सिलियशन हो जाए लेकिन एक होता है फसाद डालना बैस डाल के बैठ जाना और फुह म की सरक पाई अब समझ रहे ना मैं इसकी रिकन्सिलियशन चाह रहा हूँ एक कॉन्ट्रोवर्शल दो तीन पॉइंट्स हैं मैं चाह रहा हूँ ये रिकनसाइल हो जाए एक बंदा होता है जो घर से ये इरादा करके आता है कि ये दो तीन कॉन्टर वाली इनको हवा दो फसाद डालो उससे अल्लाह की पनाह ठीक है इसको बता अब ये आखिरी एक पॉइंट रह गया इसको कैसे करेंगे पिछली दोनों बताते मैंने कहा कि बूढ़े हैं फिलहाल वो उस पर मेरी तरफ़ से फिलहाल एजराज नहीं असल में देखिए बात यह है कि जहन पहले से बना हुआ है और वो अवामी जहन है बदकस्मती से चूँकि सब आवाम का जेन ये है कुरान के हवाले से ना एक ख़ास जहन बना हुआ है वो विरासत में वो जहन मिला है आपको अब जो इल्म है और तक़ीक की दुनिया है वो से बिल्कुल डिफ़रेंट है अच्छा जो लोग इल्म और तकीी की दुनिया में पढ़े उन सब ने कबूल कर लिया उन सब ने कबूल कर लिया तो जिहाद मतलब क़ुर को, को कोई मसला नहीं हुआ को कोई नहीं हुआ आइमा को कोई मसला नहीं हुआ इल्म और तकीी की दुनिया में उतरे थे ना एक्सेप्टेंस पैदा हो गई कि भाई कुरान भी इसी तरह से ही नकल हुआ है अवमी जैसा मर्जी हो लेकिन यह है कि अवामी जहन के सामने अगर आप ये बात रखेंगे ना तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी क्योंकि वह वो बिदक जाएगा क्योंकि उसने इस तरह से सुना नहीं है उसने इस तरह से सुना नहीं है मैंने आपको बताया था कि खुद रवायती हफ्स में कितनी बड़ी मिसाल मौजूद है ज़ाफ़ और ज़ोफ़ की कितनी बड़ी मिसाल मौजूद है एक मिसाल भी काफ़ी है एक मिसाल भी काफ़ी है इख्तलाफ के लिए अक्सर व बेशतर जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें जो है जो क़ुरान पब्लिश हो रहा है वो जाफ के साथ पब्लिश हो रहा है ज़ुआत की फतह के साथ ये तो हमारे बरसीर पाक विंद के मसाइफ़ में जो है वो जोफ के साथ पब्लिश हो रहा है ज़ुात की जमा के साथ इसी तरह आपको जो है वो स्वाद और सीन के जो फ़्रूक हैं आप देख लें आप सोरा गाशिया में सोरा में मसाइफ किस तरह से पब्लिश हो रहे हैं आलम इस्लाम के तो हम ये मान भी लें अगर हम ये मान भी लें कि यार यही मुसफ है जो मेरे घर में पड़ा हुआ है यही मुझे रसूल सलम से मिला है अगर मैं ये मान भी लूँ लेकिन उस मुसफ में भी इख्तलाफ है क्या करें फिर उसमें भी इख्तलाफ है इस पर बात हो गई थी वो उस, वो इख्तलाफ नहीं तंग करता वो मतलब तंग नहीं करता नहीं करता है जब मैं वाक्य के अंदर है ना? ना? ना एक मुसलब के अंदर है ना एक आयत में एक लफ्ज इस तरह है वही लफ्ज इस आयत में उस तरह है। ने, वो ने, पहले ने, ने, दिन ने, से ने, ये इधर है ये इधर है नहीं 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 यहाँ तो ना ये स्वैप होते हो किसी कंपनी ने ऐसे छाप दिया किसी ने मैसेज हां यही है यही है ये इसी तरह से है हां इसी तरह से बल्कि दबु नहीं स्वैप मैं किया है मैं, मैं वही कंपनी उसने वो नहीं किया वो और किया है और, है और भी मिसालें और भी मिसालें वही तो मैं खोलना चाह रहा था कि मैं एक चारों एक घंटी की नशत हम इस पे करें इंडोनेशिया के मसाइफ कैसे पब्लिश हो रहे हैं मलाइयन तुर्की कतर कोत उर्दन पाकिस्तान सऊदी अरब शाम ये सारे मसाइफ मैंने खोल के रखे हुए हैं मतलब ये है कि अगर वो जिस तरह मैंने सूरफ फुरकान की रिसर्च की है इस तरह इसकी करूँ तो हफ्स में दो लिंक खुल जाएंगे खुल जाएंगे खुल जाएंगे हफ्स के अंदर ही हफ्स के अंदर ही खुल जाएंगे भाई और हफ्स के अलावा तो बहुत कुछ खुलेगा नहीं हफ्ते के अलावा की मैं बात ही नहीं कर रहा वो तो मुझे भी पता है बहुत कुछ खुल जाए हाफ्स के अंदर ही जहाँ एक से ज्यादा खुल सकते हैं आ, खुल सकते हैं वो नुकात मुझे गिनवाने हैं वो एक भी बहुत है मेरे लिए मैं नहीं कह रहा हम बाल लगा दें आपको जितने मैसर है ना वो आप मेरे सवाल पूरे होने के बाद आपने वो मुझे प्रोवाइड करने हैं दो चार पाँच छः मैं तो कहता हूँ एक भी मेरे लिए काफ़ी है ये एक बहुत बड़ी बात है ठीक यानी कि उसी किरात को हम हाफ्स मान रहे हैं किरात चेंज नहीं हो रही लेकिन एक अदारा छाप रहा है या एक मुल्क छाप रहा है इस लफ्ज़ हरक़त का फ़र्क है और दूसरा दूसरे से छाप रहा है और इसमें चेंजिंग भी है हो सकता है कुछ अर्से बाद ये चेंज हो जाए ऐसा ही है ऐसा ही है मैं ये नहीं कह रहा कुछ अर्से बाद चें अच्छा हो अच्छा ठीक है मैं ये कह रहा हूँ जो पब्लिश हो रहा है ना उसमें इतना है, है हफ्स है अगर ये होगा तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा छोटा नहीं है आगे चले अच्छा ये जो सबा आरूफ का मतलब सबाकिरात नहीं है तो किरात के टॉपिक में फिर ये जो चार किस्में थी अदीसों की उनमें से पहले नंबर पर यही रवायतें थीं थी सारी जो हमने कहा था ट्वेंटी टू उसके हैं तो अगर ये किरात इनका इनकाफ़ का मतलब किरात नहीं है तो ये वहाँ पर बतौर दलील क्यों ज़रूरत पड़ती है इनको पेश करने असल में देखें बात ये है कि जैसे हमने कहा ना कि मालिक को मलिके पढ़ दिया ठीक है दोनों तरह से पढ़ना अल्लाह के रसूल से साबित था बाज ने मलिक पढ़ दिया बाद ने मालिक पढ़ दिया तो बस मालिक पढ़ने वाले ये ही हैं मलिक पढ़ने वाले ये हैं तो इस तरह से बात मरूफ हो गई आम हो गई लेकिन दोनों ने एक दूसरे की किरात का इनकार नहीं किया अब ये थोड़ा काफी अहम सवाल आ रहा है मैंने कहा ना हर सवाल गुफ्तुओं से उठाया हुआ मैंने मेरे किसी सवाल का सोर्स हमारी यहाँ की इस टेबल की डिस्कशन से बाहर का नहीं है इसी डिस इसी डि इसी आपको कई जगहों पे लग रहा है कि यार ये तो होगी बात ये तो होगी बात ठीक है इस पर भी शायद आपको लगे नहीं नहीं इस पर नहीं लगेगा हाँ याद है इस पर नहीं लगेगा आप कहते हैं और आप पहले दिन से जब हम ये टॉपिक भी डिस्कस नहीं कर रहे थे हमारा किरात टॉपिक नहीं था सीज़न वन में तब भी पहली किस्त में ही आपने बात यहाँ से शुरू कर दी थी साहबा के दौर से किरात में इतलाफ था मुद्वन ही नहीं हुआ था जमा तदवीन नहीं हुई थी दोहरेद उस्मानी में जाइए, बात अब थ्रू आउट कहते आ रहे हैं चले ठीक हो गया अगर ये बात आप कहते आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई रवायत कोई हदीस ऐसी नहीं है जो ये साबित कर सके कि अल्लाह के वसल्लम के दौर में कुरान मुद्वन मौजूद था आप ये क्लेम करेंगे देखिए हमने ये बात नहीं की बात को समझें ठीक है और ये हमने नहीं की ये इजमाही मसला है हमने कहा ये वो इल्म है जो उम्मत के इजमा से मुंतकिल हुआ कि अल्लाह के रलम के ज़माने में कुरान लिखा गया था बयाना तो नहीं था एक जगह पे मौजूद नहीं था मतफ़्रक तौर पे साहबा के पास लिखा हुआ मौजूद था अल्लाह के रलम के कोई चालीस के करीब ने वही थे और उनमें से जैसे हरत जैद बिन साबित थे और लोग थे हज़रत अमिर माविया थे रज़ील् नमा तो जो मौजूद होता था अल्लाह के रसूल उसको लिखवा देते थे लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं कही अहल इलम में से हमारी दीनी रवायत इससे ना आशना है ठीक है ना इस फ़िक्र से इस जदीद फ़िक्र से कि जी अल्लाह के रसलम ने बैन कुरान मजीद अपने ज़माने में जमा करवा दिया था लिखा गया था वो जैसे सही बुखारी की रवायात हैं कि वो जो जमा भी किया गया था ना वो अल्लाह के वसम के ज़माने में लिखा हुआ जमा किया गया था तो हज़रत अबू बकर ने काम ही यही किया कि आप सलम के ज़माने में जो लिखा गया था कुत्ताब को बुलवाया गया कातबी ने वही को बुलवाया गया ठीक है जो नुसाख थे उनको कहा गया जो तुम्हारे पास लिखा वो ले आओ तो कम अज़ कम मैदार ये मुकर्र किया गया कि दो से वो लिखा हुआ मिलना चाहिए फिर हम उसको जमा करेंगे चले फिर ऐसा है एक दो रवायात हैं उन पर तफसीली चाहें या मुख़र चाहें तब सरा कर दीजिए बुखारी की पहली रवायत है ये एक फ़जाइल क्रन की फ़ाइव ज़ीरो वन नाइन इसमें खतीबा बिन सईद कहते हैं कि सईद सुफियान रजी में कहते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ का बयान है कि मैं और श्दात बिन मोकल इबन आब्बास के पास गए और इन से शदात बिन मोकल ने पूछा कि क्या नबीम ने कुछ लिखी हुई चीज़ें भी छोड़ी वो बोले कि जिल्द जल्द कुरान यानी कि दुफत त के, के दरमियान जो कलाम इलाही है सिर्फ वही छोड़ा है। फिर हम दोनों यानी कि वही दोनों मोहम्मद बिन हनफिया के पास गए और इनसे से किया तो उन्होंने भी यही कहा कि कुरान की जिल्द के दरमियान जो कुछ है इसके अलावा आपने और कुछ नहीं छोड़ा एक तो ये रवायत होगी बुखारी की ठीक है दूसरी भी तीसरी भी करते फिर आप इकट्ठा कर देंगे ना आप ऐसी भी गुफ्तु करना चाहें तो बिल्कुल बात है रवायत में मेरे ख़्याल में कोई इशू है ही नहीं मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि ये वही है जो आप कह रहे थे कि लोगों के पास हुआ पड़ा था ये जिस जिल्द का जिक्र पहले इन्होंने किया दो, दो लोगों के पास इब्ने अब्स के पास गए उन उन्होंने जिस जिल्द का जिक्र किया पहले साहबी ने और दूसरे साहब ने भी कहा कि एक और आपके कहने का मतलब है कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं थी उनको, वो, उनके पास कुछ था इनके पास भी कुछ था था वो भी दोफ़ा तीन था, था ये भी दो तहन लेकिन कंटेंट अलग अलग थे वो जो आप बिखरा हुआ कह रहे हैं उससे ये है मुराद है आप बात पहले मेरी सुन लें जी ये जो हदीस है ना इसका मफहूम यह वो ये कह रहे हैं कि आज ये जो बीना दोफ़ातन मौजूद है आज हाँ जी हाँ आज जो हाँ मां बहन दुफ़तैन ये अल्लाह के रसलम छोड़ के गए थे ये नहीं कि दुफ़तैन में छोड़ के गए थे ये असल में मुराद है माँ तारा का इला माँ बैन दुफ़तैन व दखलना अला मोहम्मद बिन अलफिया उनसे भी यही उन्होंने भी ये कहा कि माँ तारा का इला माँ बैन दुफ़तैन हाँ इला माँ बैन दुफ़तैन कौन सा है जो उनके सामने दोनों के अलग अलग थे तो मैंने आपको बताया के पास, ये के पास अलग अलग मसाह दोनों अलग अलग मसाह के पास थे ये बात तो बहुत दफा पहले आ चुकी है यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा कुरान वही उनके पास था और पूरा ही कुरान वही उनके पास भी था ऐसा नहीं है नहीं 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 ऐसा नहीं है एक बात आप ना वो जरा कन्फ्यूज कर रहे साहबा कराम के पास मसाहिब थे जैसे अब्दुल्ला इब्न मसूद का मसफ ठीक है अजवाज मतहरा के पास भी मसाइफ़ थे स्टेट लेवल का मुसफ कोई भी नहीं था ज़ाती मसाइफ ये शुमार होते थे ज़ाती मसाइफ़ में अख्तलाफा थे ज़ाती मसाइफ़ में साहबा के हों या तबीन के होंलाफा थे इन ज़ाती मसाइफ़ में से कोई मुसफ़ आगे उम्मत में हरत अशमार जिलानों ने जारी नहीं होने दिया इन्हीं को जलवा दिया था मसायफ थे लेकिन उनको हजरत उस्मान ने जलवा दिया था जब स्टेट लेवल पे एक मुसफ़ तैयार हो गया कि अब हमारा इजमा हो गया अच्छा ये नहीं कि इबन अब्बाज़ और इबन हल्फिया रज़िया ये इनके अपने अपने साहिब थे नहीं मैं ये ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा उसकी वजह यह है कि जब तक हमें सही सनत से साबित नहीं होगा कि इनके पास कोई मुसफ़ था जैसे मैंने कहा कि मसाइफ में अब वो देखें सनदों से साबित ये, ये जो कह रहे हैं कि वो जो इसके अलावा नहीं छोड़ा दोन का वो दोफ़ा तेन से मुराद कौन सी है अस, असल बात थोड़ी सी सुन लें मसाइफ थे साहबा का फलाँ फला मुसफ था सब रवायतों में आ गया फलाँ के पास फलाँ मुसफ़ था ठीक है उसमें क्या था वो भी रवायतों में आ गया ठीक है वो तो साबित हैं जो तफसील से आ गए ठीक है चौदह साहबा के तेरह ताबीन के और भी कोई रवायतों में आ जाएगा ठीक है लेकिन सिर्फ इतने अल्फाज से साबित नहीं होता अगर आप मसाइफ का मताल करें ना तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मुसफ साबित कैसे होता है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा कि मसाइफ थे लेकिन आप अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया का कोई मुसफ था तो वो इतने अल्फात से साबित नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ हाँ वो अच्छा ठीक है हाँ वो ये कह रहे हैं कि भाई माँ बेन दफ़्तैैन जो मौजूद है माबे दफ़ातैन मैं भी कह सकता हूँ भाई माँ बेनफै तो जो, जो मौजूद है अब जब मैं ये कहूँगा माँ बेनतुलफैन तो जो मौजूद है तो उसका उससे मुराद क्या है जो सोसाइटी में मौजूद है ठीक है या yeah, ये भी मुराद हो सकता है जो स्टेट लेवल पर मौजूद है ठीक है या yeah? yeah, ये भी मुराद हो सकता है जो एग्रीड अपान है ज़रूरी नहीं कि मैं जब मा बनफिन तो कहूँ मैं कहूँ कि अल्लाह केसलम से हमें जो है ये माबनफिन तो ये तो जरूरी नहीं कि वो मेरा अपना कोई ज़ाती हो अच्छा ये रवायत में खास बात ये है कि एक साहबी मोहम्मद बिन हनफिया है रजी चलें नहीं, वो नहीं। अरे ये नहीं है मोहम्मद बिन नहीं ठीक हो गया इब्ने रजी 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 ये तो देखे ना इनके तो बारे में तो दीगर अदीस भी हैं और इन पर तो है कि ये तो कुरान के मुफसर और ऐसे ऐसे तो इनका ये लफ्ज़ जुमला बोलना है कि मा तारा का बीनफ़ी ये तो काफ़ी माने रखता है फिर तो आप माना निकालें माना निकालें अब बात ये है ना माना इस तरह कोई तीन था मेरी बात सुने मेरी बात सुने अच्छा अलिफ लाम के साथ उन्होंने मुआर्रफ कर लिया उसको आप सारी सारी अरबी इस्तेमाल कर लीजिएगा बस जरा मुझे सिर्फ एक बात करना जी जी आपकी ये जब रवायतों से मफहम निकालना है ना फिर सारी रवायतें सामने मुझे पता था है? आपने है? मुझे सोफी किताब आप आपने यही बात करनी फिर है फिर सारी रवायतें सामने रखनी है मर्जी की रवायतें नहीं, मर्जी की फिर थी? सारी ठीक है सारी रवायतें जब सामने रखेंगे ना तो ये मफहम नहीं निकलेगा ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ये बात आपने की नेक्स्ट जो है ना वो हदीस मुतफन राय और मुस्लिम की किताबुल फ़ज़ाइल में है टू फोर सिक्स फाइव ये हजरत अनस रजी अल्लाह तन से रवायत है फरमा रहे हैं कि रसूल अल्ला व् ने के ज़माने में चार आदमियों ने कुरान मजीद को जमा किया और वह सारे के सारे अनसार से थे माद बिन जबर रजीराब बिन क़ रजी जैद बिन सबित अब जैद रजी अल्ल तुम फ़ताद रजी ने बयान किया कि मैंने अनस से कहा कि ये अबू जैद क्योंकि एक ही थोड़ा कम मरूफ नाम था ना उसको उन्होंने पूछा कि ये अबू जैद कौन थे तो उन्होंने फरमाया कि वो चचाओं में से थे अरे इसमें भी सराहत है थोड़ी सी काफ़ी हद तक बल्कि है आप बात समझे नहीं हमने तो ये कहा ही नहीं कि रवायत ये कह रही इसलम के ज़माने में लिखा नहीं गया नहीं मैं लिखने से ये जूम कर रहा हूँ कि लिखना जो था ना वो बदरजाह तदवीन था किसी हद तक बल्कि बहुत हद तक लि, लिखना तो कहती इसी को है कि लिखा हुआ था बस इतनी सी बात है नहीं साथ कहीं? में जमा के लफ्ज भी आ गए ना अरबी मतन में देखे ना ए, जमा अल कुरान अलकुरआन वाला आहदी रसूल वसलम अरब आतुकुल्लु मिनल अनसार तो ठीक है मैं तो कहूँगा कि 40 ने जमा किया <laughs> कोई फ़र्क नहीं पड़ता जमा मान नहीं, जमा मान लेने के बाद तो जमा किया नहीं, 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 नहीं जमा किया हम ये, ये पे है कि पूरा कुरान जमा किया अच्छा चले एक साहबी ने चले किसी अच्छा, दर्जे में ये में। बात भी ये बात भी मुझम आला है कि पूरा कुरान पूरा कुरान के जमाने में लिखा गया था पूरा कुरान लिखा गया था लेकिन किसी एक ने नहीं, नहीं लिखा था स्टेट लेवल पे नहीं लिखवाया गया था मुतफ्रक तौर पे मुख्त साहबा के पास आयात मौजूद थी सूरतें मौजूद थी बस ये बात है और वैसे कुरान लफ़ कुरान का इतलाक और इसी तरह से मुसफ़ का इतलाक भी बल्कि ज़्यादा बेहतर दलीलें तो मैं आपको सुझा देता हूँ जो आपकी होनी चाहिए थी वो आपने नहीं दी वो ये कि मुसफ़ के साथ सफ़र करने से मना किया गया ठीक है तो असल में लफ़ मुसफ़ का लफ़ कुरान का इतलाक़ ये सारे शुभहात आइमा को पहले ही पेश आ चुके थे ठीक है लेकिन वो सारी रवायतें सामने रखते थे ना रवायती जैन था ना तो वो उसको डिस्कस करते थे तो वो सारी रवायतें रख के फिर उसको आंसर करते थे ये कहते थे लफ्स मुसफ़ का इतलाक़ और इसी तरह से कुरान का अलाक़ बाज़ कुरान पे भी हो जा जिस तरह आप तस्लीम कर जिस तरह आप वजाहत दे रहे हैं इसके बाद तो पिक्चर बड़ी इतमान बख्श हो जाती है कि वो बड़ी क्लियर सूरत हाल थी कि ऐसा नहीं था कि कुरान कहीं बिखर गया था और उसके बारे में शुभात थे वो फिर अहद स्मानी में अहद सिद्दीकी से शुरू हुआ वो काम और वो करते करते यहाँ पे आके मुकम्मल हुआ ये पिक्चर अब बदल गई है बहुत हद तक साथ कुछ वाज था बहुत हद तक सब कुछ वादे था एम्बिग्विटीज नहीं थी नहीं ये तो अब आप कह रहे नहीं थी रवायतें तो ये नहीं कह रही कि मतलब रवायतें तो जहरी बात है हमने आज़रबाईजान और इर्मिनिया के महाज़ों पर जो इख्लाफा हुई सही बुखारी की रवायतें ठीक है।, है अगर ये सब कुछ वाजे था तो हज़रत अबू बकर के साथ हज़रतमर ने इतलाफ क्यों किया वो हज़रत अली वाली एक और रवायत भी है कि शैफ़ा रब्बानी में जो कुछ है उसके सिवा अल्लाह के नज़दीक से कुछ नहीं देखा फिर दूसरी रिवायत भी अली की है उन्होंने कहा कि इसके सिवा क्या कुछ और भी पूछने वाले ने पूछा तो आपने कहा कि हाँ एक और सीवा भी था जो कुरान के गैर अलावा था लेकिन था वो लिखवाया उसमें वरासत और दीयत के चंद कवानीन थे लेकिन वजहा से बता दिया कि अदर दैन कुरान था मैं फिर वही कह रहा हूँ जरा थोड़ा सा ना सोचें अपनी अप्रोच नहीं नहीं सारे इस दलाल की बुनियाद रवायतों पे खड़ी कर रहे हैं आपको ये जेब नहीं देता क्यों नहीं देव देता नहीं जेब नहीं ना देता बात ये है बात। कि रवायतों को अगर शुरू करना है ना फिर एक तरतीब से शुरू करें देखें, एक मिनट ऐसे नहीं ऐसे मैं इसका देता। जवाब देता हूँ आप मैं इसका जवाब देता हूँ आपकी पिछली गुफ्तुओं से जो ता था वो ये था कि अल्लाह के नबीम के दौर में क़ुरान के जमा के हवाले से रिगार्डिंग द कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो पिक्चर मेरे जहन में आपकी पिछली गुफ्तुओं को सुनकर बनी हुई थी ना वो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी इन चार हदीसों ने उस पिक्चर को, को जो कैमरे का फोकस बिल्कुल सेट कर दिया पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है आप कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता इधर तो मंजर बदल गया है मंजर तभी बदलेगा जब सारी रवायतों को मानेंगे मैंने मान लिया कि असल मसहफ अहद उस्मानी में था इसको मान लेते हैं लेकिन इससे पिछले वाली पिक्चर जो ब्लर थी इन रवायतों को पढ़ गया वो ब्लर नहीं रही सही बुखारी में यही मौजूद है कि जब हज़रत बकर ने भी जमा किया तो जहरी बात है वो लिखा हुआ था लिखा हुआ जमा किया गया किरात के बारे में आपने कहा था बल्कि ये सबका मौक़ है कि कुल्लू शाफिन व काफ़िन हर किरात अपने अंदर मुकम्मल कुरान है ये हर हर्फ हर हर हराद ना हराद 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 क्योंकि किरात अब हम किसी और चीज़ को कहते हैं ठीक है ऐसा लफ् हर्फ है हर्फ है ठीक है अच्छा यानी कि हफ्स अपने अंदर पूरा कुरान है वर्ष अपने अंदर पूरा कुरान है जिसके पास कोई एक है पास का मराद वो किसी एक पर चल रहा है उसी को स्टेट लेवल पर किया है या मस्जिद लेवल पर किया है वो उसी को कुरान समझ के कर रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम इनकम्प्लीट कुरान के ऊपर हो ऐसे ही है। ये तो पूरे पहले भी कह दिया था ये आपने कह दिया था यही आपकी बात इस बात को दुरुस्त मानने के बाद दो बड़े सवाल पैदा होते हैं पहला सवाल ये पैदा होता है हम स... अभी फिर एक डिजिट सपोज करते हैं ज्यूम करते हैं सात डिजट हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात ये सात पढ़े हैं मैं कहता हूँ मैं हफ्स के ऊपर हूँ बस आप कहेंगे पूरे कुरान पर आप ठीक है ना पूरा कुरान है कुछ भी मिसिंग नहीं है मैं कहता हूँ वो छः कुरान नहीं है आप मुझे पकड़ लेते हैं आप कहते हैं नहीं पिछली बात पर मैंने तुम्हें अलाउंस दिया था इस पर नहीं दूँगा उनको भी कुरान मानूँ मैं आपसे इंतहाई अदब से कहूँगा मैं अभी कुरान मान लेता हूँ पहले मुझे ये कहें मेरा नाम मुकम्मल है आप कहेंगे नहीं तुम्हारा मुकम्मल मैं मुकम्मल पर इजाफे को आप मेरे ऊपर क्यों कंपलसरी इंपोज कर रहे हैं इम्पोज़ तो आप तब करें जब उसको इनकम्प्लीट करें भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए ये मनवाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि इसके बगैर नामुकम्मल है लेकिन वो सर्टिफिकेट आप मुझे पहले तकमील का दे चुके हैं अब आप कैसे मुझे रोक सकते हैं या इम्पोज़ कर सकते हैं कि मैं बाकियों को मानूँ पहले नामुकम्ल करार दें फिर मानने ना मानने वाली बात आएगी ये है पहला सवाल इस पर आप तबसरा करेंगे फिर दूसरा सवाल देखिए वो रवायत जो गुजरी थी ना सही बुखारी की हरत उमर हरत शाम बिन हकीम के अल्लाह तो के रसूल ने दोनों को कहा था हाकदाउन जिलत ठीक है इसी तरह से नाजिल हुआ है ठीक है मजबूर नहीं किया कि तुम दूसरी की भी पढ़ो हाँ अच्छा, है, उस मजबूर नहीं। पे मजबूर नहीं किया इस पर जरूर मजबूर किया कि उसका इनकार ना करो दूसरी का ठीक है हाँ। तो अब हाँ। असल बात यह है कि रवायत वर्ष अलज़ायर में सरकारी सतह पर है चार करोड़ आबादी अलज़ायर की मरकश में है मोरितानिया में है लीबिया में है ट्यूनस में है ठीक है मसाइफ मैंने खोले हुए हैं लेकिन अब हम अलहदा से एपिसोड करेंगे उसके ऊपर सरकारी सतह पर मसाइफ पब्लिश हो रहे हैं करोड़ों मुसलमान पढ़ रहे हैं उसका इनकार ना करें कि फितने अजम की तलावत हो रही है आप अपने आप को इस तक महदूद कर लें कोई हरज नहीं है लेकिन जब आप इनकार की पोजीशन ले लेंगे ना ये ख़तरनाक है आप एक ऐसे इल्मी मुकदमे तक जाएंगे कि करोड़ों मुसलमान या अगर आप पीछे चले जाएंगे पाँच सदियों से पहले पूरी उम्मत ख़ैर कुरान पढ़ रही थी आप सिर्फ ये कहें कि ये हम तक पहुंची है हम इसकी पाबंदी करते हैं बकिया का हम इनकार नहीं करते जैसे वो उसकी पाबंदी करते हैं इसका इनकार नहीं करते इलमी बयानिया यही है उलमा का देखिए मैंने आपको बताया वो ख़ुद ये कहते हैं मसाजिद में मसाइफ ना रखें दूसरी रिवायतों के ठीक है क्योंकि इससे शुबा पैदा होता है वो खुद ये कहते हैं ठीक है बात ये भी कहते हैं नमाजों में ना पढ़ें शुबा पैदा होगा लेकिन असल में वो ये कहते हैं इनकार की पोजीशन नहीं लेनी आप अपनी एक की पाबंदी करते रहें जिस पर आपको इतमान है जब आप इंकार की पोजीशन ले लेते हैं ना तो फिर आप असल में उस उसका का इनकार कर रहे हैं कि मेरे पास तो कुरान है उसके पास गैर कुरान है ये जब आप एक झगड़ा फसाद खड़ा करते हैं ना तो ये झगड़ा और फसाद फिर बुनियाद बन जाता है कि अब आपके ऊपर ज़ोर दे के आपको कहा जाए कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं चलें यानी जहां आपका आपने प्र... पैदा किया है उन्होंने तो नहीं पैदा किया वो तो कह रहे हैं भाई आपके लिए काफी है आपको कहा ही न, किसी ने नहीं कि आप दस पढ़े आप सात पढ़े आपको किसी ने कहा ही नहीं चले ठीक हो गया पहली बात तो ये कि मैंने शुरू में ही कह दिया था आपको कि आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि सारी की सारी काफी और शाफ़ी है लेकिन इसके बाद दो सवाल है पहले सवाल को आपने जो वजाहत दी है मैं इसको भी मानने को तैयार हूँ कि ठीक है यार एक ही काफ़ी है बाकियों को ना कहो कि नहीं कुरान क्यों इसलिए कि आपने कहा कि इससे बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट पैदा होता है कि वो करोड़ों लोग किधर जाएंगे उनका पढ़ा जाने वाले को हम क्या कहेंगे कि वो गहरे कुरान पढ़ रहे हैं मस्जिदों में पढ़ रहे हैं स्टेट छाप रही है क्या वो काफिर है क्या वो ओरिएंटलिस्ट है ये बहुत अच्छा सवाल है वो ये एतराज़ को मिटाने के लिए आप ये मुतालबा करें कि उसको गहरे कुरान मत कहो तो। ठीक है तुम ना बनाओ एक एक पे रहो असल में एक और बात भी समझें हम उनको भी यही कह रहे हैं वो भी इसको गैर कुरान कह रहे हैं वहां पे भी आसिम मुगल बैठे हुए हैं मगरब में ये बात जेन में रखें वहां पे भी गांधी और आसिम मुगल साहब बैठे हैं, जो ये कह, कह हैं गहरे हाँ, गहरे। जो ये कह रहे हैं कि हाँ जो ये कह रहे हैं कि असल कुरान तो ये है रवायती वर्ष है वो गैर कुरान पढ़ रही है सारी मशरक समझ रहे आपका उनको भी हम समझा रहे हैं उनको भी समझा रहे हैं ये जो खर्चा है ना कि अगर ये ना समझें जो आप समझा रहे हैं मुझे भी और उसको भी आपके दिन में ये ख़दशा है कि अगर ये ना समझेंगे तो वो उसको गैर कुरान समझता रहेगा ये इसको समझता रहेगा है कुरान सारा काम ख़राब हो जाएगा तो बहुत बड़ा फितना है, फसाद है इसी तरह इधर भी एक खदशा है ठीक है ना आपसन दन नहीं रखते आप कहते हैं जी फसाद डाल रहे हैं आपकी बात ही यहाँ से शुरू होती है लेकिन मैं इसका भी एहतराम करता हूँ ये आपका जज्बा ही माननी मेरे लिए ये भी मोहतरम है लेकिन अब मुझे क्लरिफिकेशन देने दें कि हमारा वो कौन सा ख़दश है आप उस ख़दशे को ऑन कर लें मैं अभी मान लेता हूँ कि ठीक है जी हम नहीं कहते साथ को गैर कुरान उसको एक मजहबी लीडर होने की हैसियत से आपने ऑन करना है और अगर आप ऑन नहीं करेंगे मेरा खदशा कायम रहेगा फिर मैं कहूँगा गैर कुरान है वो ख़दशा ये है कि आप एक दीन के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से ये स्टेटमेंट दें हम एक फिगर सपोज एज्यूम कर लेते हैं सात की फिगर या दस की कर लेते हैं चले सात कर लें आप ये बताएं कि देर आर सेवन कुरानस या सेवन वर्जन ऑफ़ कुरानस किसी एक को कुरान ना मानना कुरान के इनकार के बराबर है अगर ये आप इसको बहसीत है मुसलमान लीडर यानी कि मजहबी लीडर है आप एक आलिम की स्टेट पर बैठे हैं ना आप मंबर रसूल पर भी हैं आप जुम्मे भी पढ़ाते हैं आप उस्ताद भी हैं तो आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि साथ के साथ वर्जन जो है ना हर एक अलग अलग पूरा पूरा, पूरा कुरान है और किसी का इनकार नहीं हम कर सकते और ये बयानियाँ हम पूरी वर्ल्ड को दे रहे हैं कि भाई ये जो अवमी सतह पर बात चली कि जेर ज़बर का फ़र्क नहीं हरफ का फ़र्क नहीं ये बचकाना बातें हैं इलमी बहस इलमी दुनिया इससे थोड़ी मुख्तलिफ है वो कितनी मुख्तलिफ है वो इतनी मुख्तलिफ है कि थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ वर्जन हैं और उनका भी हमारे पास सबूत है कि वो नाजिल इस तरह हुए हैं वो सात हैं या दस हैं इस बयानी को आप ऐलानिया जाकर बयान कर दें आप यार मुझे समझ नहीं आती एक बात हम दस दस मरतबा हमें दोहराने पड़ती अब मैं फिर फिर आपको कह रहा हूँ ये चीज़ें मैंने शुरू में इमाम गजाली का हवा क्यों दिया भाई किताबुल्ल वो कहते हैं कुरान की तारीफ ही यही है ओ भाई आप, आप कुरान का इनकार कर रहे हैं अगर आप सब आ, आ, आरुफ का इनकार कर रहे हैं तो मैं आपसे सरक्षी आप का, का से हवाला क्यों दिया है मैं आप वो ये कह रहे हैं कि ये इजमायी मसला है कि आपने वो कहते हैं कुरान ये है कुरान रवायती हफ्स में है आपने जो वजाहतें दी थी मैं दोबारा मक्खी पे मक्खी नहीं मार रहा था इतना मैं अभी जाहिर नहीं हूँ माना कि मैं नहीं हूँ तो फिर और मेरा खद्शा सुने मेरा खदशा ये है कि वो जो एक कुरान का बयानिया है मुसलमानों का क्या वो एक मिनट क्या उस बयानिए की वो एक अवामी पिक्चर है वो अवामी सूरत है बयानिए की इल्मी सूरत ये है कि नहीं यार एक नहीं है उसके लिए आपको जिसको शक दूर करना है, आए इलमी बहस में उतरे हम साबित कर देते हैं लेकिन वो एक इलमी बहस है और वो एक अवामी सूरत है कि एक कुरान है मैं इस खदे की है किसने कहा कुरान है किसने कहा साथ कुरान है मैं यहाँ पर एक हफ्ता नुस्खा रखूँगा एक वर्ष का रखूँगा एक दूरी का रखूँगा तो आप कहेंगे ये भी कुरान है ये भी कुरान है ये इसके बाद आप एक कैसे कहेंगे मैं एक का यहाँ पे पाकिस्तान का रखूँगा एक मैं हफ्स का यहाँ पे सऊदी अरब का रखूँगा एक मैं यहाँ हफ्स का तुर्की का रखूँगा तीनों मुख्तलफ होंगे आप किसको कुरान कहेंगे अच्छा अच्छा क्या आप बोलें ये पत्ता आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है मैं मानता हूँ इसी पर तो मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश हुई है सबसे ज़्यादा तशवीश हुई है और अगर हफ्स को बतौर हफ्स सब इस फ़र्क के साथ या इन फ़र्कों के साथ ऑन करते हैं तो फिर उसी प्रिंसिपल के तहत इनको भी बाकी की रात को ऑन करना चाहिए मेरी बात समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा रवायत में हफ्स में चार मुख्तलिफ आ गए हैं इसके बावजूद ये अफजी है ये चार अफज नहीं है लेकिन ये मैं दूसरे पहले टाइम में प्रिंसिंग नहीं बदलूंगा मैं नहीं बदलू ये आप अपने आप को समझाएं मुझे तो पहले से समझ आई हुई है ये, ये बात मैंने अपने आप को समझानी है मैं अपनी बात पहले से ये बात आपको है तो आप उस पोजिशन पर बैठे हैं न अब ये आपने अगली में मेरी दरख्वास पर मेरी फरमाइश पर मेरे मुतालबे पर मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ से बात शुरू करनी है ये जो हफ्स के दो या तीन मैंने कहा था दो ही काफ़ी है मेरे लिए एक फ़र्क भी शाफ़ी है वही हजरत कहते हैं आप चार दे देंगे तो वह मरह ये, ये भी हफ्स ये भी हफ् और फ़र्क है और उस फ़र्क को सब ऑन करें और हफ् मान के करें दो हफ्ज कोई नहीं कह रहा अगर वह दो हफ् नहीं कह रहे तो फिर दो कुरान कहने की लॉजिक भी नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ यार जिस लॉजिक की बेस पर हम चार कुरान कह रहे हैं उसको एक मानने के लिए तैयार नहीं है बाकियों को कुरान कहने के लिए तैयार नहीं है उसी लॉजिक के तहत तो मुझे हफ्स भी एक ही मानना पड़ेगा बाकियों को गैर हफ्स कहना पड़ेगा और अगर मैं नहीं कहता तो वो प्रिंसिपल उतर भी मुझे अप्लाई करना चाहिए फिर ये निफाक नहीं होना चाहिए फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना कम अज़ कम मेरे नज़दीक तो नहीं होना चाहिए हाँ इल्ला ये कि उसमें कोई इल्मी लत हो उसके अंदर खुबे गोते लगाएं तो फिर अदरवाइज़ बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा ना तो इसको डिफॉल्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए मेरी बात वाजे हो गई मेरा चाहिए। मेरा मौका भी वाजे हो गया मेरी नीयत भी वाजे गई अब तो मुझे नहीं कहेंगे कि तुम साथ डालने के लिए देखिए बात ये हमारे नज़दीक ये जो दलील है ना जिसको आप कह रहे हैं ये दलील देंगे हम इस पर घंटा दो घंटे लगा देंगे आपको, दे दे। आपको इतमान हो रहा है ठीक है हमने बात की थी चार एपिसोड मैंने इस बात पे लगाए हैं दीन साबित होता है सेहत आपने कह दिया बहुत क्या मैं कह रहा हूं कि जिसको आप हल्की दलील कह रहे मेरे लिए, लिए, लिए तो ये बहुत भारी है क्योंकि ये ये एक नई बात है के सेम रात में वेरिएशन है अभी तक यही पता था कि वेरिएशन की वजह से नई किरात बन जाती है यहाँ वेरिएशन आई नाम चेंज हो गया यहाँ वेरिएशन किराते वेरी करती ही इस वजह से हैं उनका मोहरी की ये है कि वेरिएशन हो जाती है तो अगर एक के अंदर वेरिएशन है फिर भी नाम चेंज नहीं हो रहा तो फिर उधर भी नहीं करेंगे ठीक बहुत सी मिसालें दे देंगे चल आज इख्ताम करें आज मजमुई अतबार से नाइन्थ एपिसोड हमने रिकॉर्ड करवाई है ठीक है ना जो फिर रात के मौजूद पर यह पाँचवीं है ये वो पहली नशस्त है जिसमें मेरा टॉकिंग टाइम आ, आपकी टॉकिंग टाइम से ज़्यादा है जदाकल्ला खैर आपके कीमती वक़्त का आप अपना साथ दे रहे हैं और आप आइंदा भी देने की यकीन दहानी करा रहे हैं ये आपका बहुत बड़ा पन है बेपना मसरूफियत के बावजूद आप मेरे साथ खड़े हैं इस पर मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुजार आपको जदाय खैर दे नाजरीन इसके साथ ही प्रोग्राम मकालमा की नवी किस्त यानी कि नाइन्थ एपिसोड से हमें इजाज़त दीजिए कुरान में किरात के अख्तलाफात के मौजू पर अभी तक बात चल रही है उस सिलसिले की आज हमने पाँचवीं नशस्त मुकम्मल की है ये टॉपिक अभी चलेगा कब तक चलेगा इसका हमें फ़िलहाल कोई अंदाज़ा नहीं है अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली सही नतीजे तक पहुँचाए असल वरम्ल